करौली जिले के ग्राम पंचायत पडरी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें फाइनल मैच गौरबी एवं पडरी के बीच खेला गया, जहां गौरबी क्रिकेट टीम ने विजय हासिल की। इस अवसर पर विजय हुए खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के रूप में अमित द्विवेदी, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए और उन्होंने कहा कि कई वर्षों से ग्राम पडरी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में इस गांव में क्रिकेट खेलने के लिए मिनी स्टेडियम की आवश्यकता महसूस हो रही है। द्विवेदी ने कहा कि खेल यदि खिलाड़ी भावना से खेले जाएं तो आगे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आएगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, जिससे लोगों के बीच सामंजस्य एवं प्रेम व्यवहार बढ़ता है। उक्त अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ल ने कहा कि पडरी व सोलंग गांव से जिला मुख्यालय पहुंचने हेतु नया मार्ग पडरी से परसोना पहुंच मार्ग बनाया जाने से प्रयास जारी है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयासरत है। साथ ही अमित द्विवेदी प्रदेश सचिव द्वारा लगातार क्षेत्र के चहुमुखी विकास हेतु प्रयास कर रहे हैं, जिसमें तेलदह से कसर मार्ग को जोड़ने हेतु भी कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। उक्त अवसर पर पडरी गांव के वरिष्ठ राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, पूर्व सरपंच हीरालाल साकेत, अखिलेश पांडे, जिलाध्यक्ष कांग्रेस विचारधारा संगठन विनस कंपनी के संदीप वर्मा, राजेश मसी, एचआर अनिल द्विवेदी, आर्य प्रसाद द्विवेदी, विनय द्विवेदी, जटाशंकर पाठक, सत्येंद्र द्विवेदी, हरीश द्विवेदी, डब्लू पाठक, लक्ष्मी शुक्ला, अतुल शुक्ल, राजा दुबे, रामानुज रजक सहित कई वरिष्ठ व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।